गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है टेट और सुपर टेट की, सॉरी टेट और सी टेट के लिए। सुपर टेट की भी कराई जाएगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लास्ट ईयर जो हुआ था एग्ज़ाम उसका। लेकिन अभी फ़िलहाल हम सी टेट और यूपी टेट देख रहे हैं, जिसमें हमने सी डी पी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट वीडियो में, एंड अभी हम एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं, ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, यानी 15 अक्टूबर 2017 को जो पेपर हुआ था उसी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस हैं इसमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इन क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इसलिए मेरी एडवाइस है आपको कि आप साथ में पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठें और उन चीज़ों को नोट करें, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताऊंगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगी, कभी कभी डायरेक्टली उन इन्फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप पेन और पेपर लेकर बैठिए। चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, कब अपनाया था? फर्स्ट 20 जनवरी 1950 को, सेकंड 24 जनवरी 1950 को, एंड थर्ड है आपका 21 मई 1949 को, लास्ट है आपका 13 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा, बताइए। मेरे साथ साथ आप लोग भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए, ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। तो देखिए, जो सही आंसर है वो है 24 जनवरी 1950 को, दिस इज़ योर राइट आंसर। और देखिए, इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि जो आपका संविधान सभा के द्वारा इसे राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, और इस राष्ट्रीय गान को 1912 में, यानी 1912 में तत्व बोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इसे 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया। राष्ट्रीय गान को आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय गान को किस टाइटल के अंतर्गत अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, तो वो था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, और कब किया गया था, 1919 में। इसे सबसे पहली बार देखिए कब गाया गया, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो सर्वप्रथम इसे 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, 1911 में, और इस अधिवेशन के, कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पंडित विश्वन नारायण दत्त जो है ये आपके कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये काफ़ी फेमस मेला है, देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जयपुर, सेकंड है उदयपुर, थर्ड है जोधपुर, एंड फोर्थ है आपका अजमेर। बताइए आप कहाँ आयोजित किया जाता है पुष्कर मेले को? तो देखिए, जो आपका राइट है वो आंसर है वो है अजमेर में। अजमेर में ये पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है, अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ पर एक ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारे नॉर्थ में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर राजस्थान में अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसी के आसपास अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पर ये मेले का आयोजन होता है कार्तिक महीने में। और ये जो मेला है पुष्कर मेला, ये ऊँटों से संबंधित है, यानी कि देश दुनिया के लोग, अलग अलग लोग यहाँ पर ऊँटों को लेकर आते हैं, और उनकी जो है प्रदर्शनी टाइप की लगती है, और वहाँ से लोग उसे बाई करते हैं। ठीक है, तो ये ऊँटों का मेला है पुष्कर मेला, जो कि अजमेर में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित परावैगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? फर्स्ट UVA, सेकंड UVB, एंड थर्ड UVC, लास्ट
उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज, बताइए कौन सा सही है। हम ये तो जानते हैं कि सन रेज जो है, जो यूवी रेज है वो हमारे लिए हानिकारक होती है, बट ये हम नहीं जानते हैं कि यूवी रेज जो है वो तीन तरह की है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। ठीक है, ये तीन तरह की है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सी ज़्यादा हानिकारक होती है। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट है, यूवीसी जो है ये ज़्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, ये तरंग दैर्ध्यों के आधार पर इन्हें बांटा गया है, यूवी रेजेस को। ठीक है, यूवी ए और यूवी बी जो है वो आपकी त्वचा पर ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालती हैं। ठीक है, और जो यूवी बी है वो जीवधारियों पर देखिए कुछ तरह के प्रभाव डालते हैं। यूवी बी को क्या क्या, जीन परिवर्तन पे असर डालते हैं, त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर जो होता है, जैसे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मैंने बताया था ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो कैसे बन सकते हैं आप देखिए, आपसे पूछ सकता है कि जो त्वचा कैंसर है वो किस सन सन की किस रेज के कारण होता है, मतलब यूवी ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण। तो आपको बताना है यूवी वी यानी अल्ट्रा वॉयलेट रेज बी के कारण त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, थर्ड है आपका प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना, कमज़ोर होना, यानी आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो किसकी वजह से, यूवी बी की वजह से होता है। पौधों की वृद्धि में रुकावट, आप देखते हैं आप दो पौधे साथ में लगाएं, कभी कभी क्या होता है कि एक पौधा काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाता है और एक नहीं ग्रो करता, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि उस पौधे पर यूवी बी का असर पड़ जाता है हानिकारक, जिसकी वजह से वो उतना ग्रो नहीं कर पाता, उसकी वृद्धि उतनी नहीं हो पाती। जो मोतियाबिंद है, बहुत ही मतलब वेल नोन डिजीज़ है, आप जानते होंगे बुढ़ापा आते आते तक मैक्सिमम लोगों में ये डिजीज़ पाई जाती है मोतियाबिंद। ये किसके कारण होती है, ये अल्ट्रा वॉयलेट बी रेज के कारण होती है। सनबर्न, आप देखिए धूप में रहिए तो आपकी स्किन जो है रेड कलर की, रेडिश बर्न हो जाती है, रेड स्पॉट पड़ जाता है, तो वो किसके कारण होता है, वो भी यूवी बी के कारण यानी अल्ट्रा वॉयलेट बी के कारण आपका होता है। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको 6 चीज़ें बताई कि यूवी बी क्या क्या हानिकारक प्रभाव डालती है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, देखिए ये काफ़ी मतलब ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, आप नोट कर लीजिएगा, 100% ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपके काम आने ही वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, कौन सा अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। फर्स्ट प्रोटीन, सेकंड कवक, थर्ड फास्फोरस एंड लास्ट मृदा, बताइए जल्दी बताइए। जी हाँ, कवक, जो आपका कवक है वो अजैविक घटक नहीं है, ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः जो उत्पादक एवं उपभोक्ता होते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके शरीर पर ये अपघटन का काम कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं कवक जो है। ठीक है, तो आपका देखिए सही आंसर क्या है, बी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, गिर शेर अभयारण्य अवस्थित है यानी कि कहाँ स्थित है। फर्स्ट गुजरात में, सेकंड उत्तर प्रदेश में, थर्ड आपका महाराष्ट्र में और फोर्थ मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है ये, आपका गुजरात में है। ठीक है, गिर शेर अभयारण्य कहाँ है, गुजरात में। अब देखिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, वो ये है कि जो गिर अभयारण्य है इसे एशियाई सिंहों का घर भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि उस अभयारण्य में एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसे 1973 में, गिर अभयारण्य को 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, ये जो गिर सिंह परियोजना थी इसे प्रारंभ किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से, और ये कहाँ पर है, गुजरात के जूनागढ़ जिले में है। ठीक है, इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है, WWF से आशय है, मतलब WWF का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड कोरम फंड, वर्ल्ड लाइफ फंड
एंड वर्ड डोनर फंड, बताइए क्या है फुल फॉर्म इसका। तो WWF, वो WWF फाइटिंग वाला मत आप समझ लीजिएगा, ये जो WWF है इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड लाइफ फंड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसे हिंदी में विश्व वन्य जीव कोष भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका विश्व वन्य जीव कोष है यानी WWF है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपसे पूछ सकता है, तो ये 1962 में WWF की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है ग्लैंड, वहाँ पर है। और देखिए इसका जो प्रतीक चिन्ह है, आपसे पूछ सकता है कि WWF का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, क्या है, आपको 4 एनिमल्स के नाम दे देगा, आपको बताना है। तो वो क्या है, ज्वाइंट पांडा, ज्वाइंट पांडा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ज्वाइंट पांडा वाला, ये मतलब एग्जैक्टली ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर। मैं जब आपको आगे के ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगी 2017 के पहले के, तो आप खुद देख पाएंगे कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये कितनी काम की है। तो ये आपसे पूछा हुआ है कि WWF का जो प्रतीक चिन्ह है क्या है, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है, तो आप क्या बताएंगे, ज्वाइन पांडा है, ठीक। तो ये तीन चीज़ आप नोट कर लीजिएगा इसके रिगार्डिंग, फर्स्ट तो कि इसकी स्थापना कब हुई 1962 में, फुल फॉर्म तो आपको पता ही है क्योंकि क्वेश्चन में करा दिया गया, एंड फिर ये इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, ज्वाइन पांडा है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड नामक जगह पर इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, गंगा नदी निकलती है कहाँ से, फर्स्ट अरावली श्रेणी से, सेकंड लद्दाख ग्लेशियर से, थर्ड गंगोत्री ग्लेशियर से, एंड फोर्थ मिलाप ग्लेशियर से, बताइए। आई होप मैक्सिमम लोग इसका जवाब दे देंगे क्योंकि ये काफ़ी वेल नोन क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी है। तो इसका सही आंसर क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर, कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, यानी कि भारत में प्रदूषण का मापन यानी कितना प्रदूषण है इंडिया में, इसका मापन कौन सी एजेंसी करती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फर्स्ट है ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेकंड है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, थर्ड है केंद्रीय जल आयोग, और फोर्थ है सर्वे ऑफ इंडिया। आई होप आप इसका भी आंसर बता देंगे, और नहीं तो गेस तो कर ही सकते हैं, बताइए। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो भारत में प्रदूषण का मापन करता है, ठीक। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, आपको पता ही होगा जो आपके वॉल्केनोज हैं यानी कि ज्वालामुखी हैं, ये तीन तरह के होते हैं, पहले जो है वो जागृत ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी भी इन्हें हम कहते हैं, जागृत ज्वालामुखी को ही हम सक्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं। और दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक, ये देखिए अब जगह ही नहीं है, चलिए ठीक है बताइए जागृत ज्वालामुखी कौन सा है, मतलब कहाँ पर स्थित है कोटापैक्सी, ये आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट है सिसली में, सेकंड है हवाई में, थर्ड है एंडीज में, एंड फोर्थ है आपका रॉकीज़ में, बताइए कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर लिख देती हूँ, थोड़ी सी जगह है, शांत प्रक्षुब्ध और सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है बताइए कहाँ पर है। तो ये आपका एंडीज में है, कोटापैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है, एंडीज में है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, यानी जो साउथ अमेरिका है आपका वहाँ पर इक्वेडोर नामक एक जगह है, वहाँ पर एंडीज पर्वत है, उस पर्वतमाला के ऊपर ये सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, कौन सा, कोटापैक्सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? फर्स्ट गंगा, सेकंड यमुना, थर्ड ब्रह्मपुत्र एंड आपका लास्ट क्या है? सिंधु। बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्रा। जो ब्रह्मपुत्रा है ये तिब्बत की सांगपो नदी है, मतलब इस ब्रह्मपुत्रा को ही तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं और भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है। ये जो आपसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है या सांगपो नदी है तो दोनों एक ही, बस इसके नाम जगह के अकॉर्डिंग चेंज हो गए हैं, तो ये कहाँ से निकली हुई है, इसका स्थान कहाँ से जहाँ से ये निकलती है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमांग युंग डंग हिमानी से निकली हुई है। इसका नाम मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा मतलब टिपिकल नाम है तो लिख देती हूँ, आपको नोट करने में आसानी रहेगी। चेमांग युंग डैश डंग, राइट, फिर यहाँ पर हिमानी, यहाँ से निकली हुई है ये आपकी सांगपो नदी, ठीक है। और इसे जो है सबसे बड़ी नदी में से, विश्व की सबसे बड़ी नदी में से एक माना जाता है, विश्व की बड़ी नदियों में इसकी गिनती होती है, ठीक है। अभी देखिए, इसकी जो कुल लंबाई है वो 2580 किलोमीटर है, यानी कि तिब्बत से लेके, फ्रॉम तिब्बत टू इंडिया, पूरा तिब्बत से लेके इंडिया तक की इसकी लंबाई बताया गया है। अगर आपसे सिर्फ एग्ज़ाम में ये पूछता है कि इंडिया में इसकी कितनी लंबाई है ब्रह्मपुत्रा की, तो आप क्या बताएंगे? 1346 यानी 1346 किलोमीटर है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा की लंबाई इंडिया में है। ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्या ऑप्शन नंबर सी सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या है? घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं कौन? फर्स्ट शाकाहारी, सेकंड मांसाहारी, थर्ड जीवाणु और आपका लास्ट है मांसाहारी या शाकाहारी। तो देखिए, इसमें जो आपके सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं वो कौन से होते हैं? वो मांसाहारी होते हैं, ठीक है। आपका जो फर्स्ट, तो जो है फर्स्ट स्टार्टिंग जो खाद्य श्रृंखला का होता है वो कहाँ से होता है? घास से होता है, क्योंकि घास जो है स्टार्टिंग होता है। तो ये घास क्या है? उपभोक्ता नहीं है, ये क्या है? उत्पादक है। घास क्या है? उत्पादक है, ठीक है, ये घास आपका उत्पादक है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो फिर आपका क्या आता है? टिड्डा आता है, यानी कि घास को कौन खाता है? टिड्डा। तो ये टिड्डा क्या हो गया? आपका फर्स्ट उपभोक्ता हो गया, ये उत्पादक था, ये उपभोक्ता हो गया, ये फर्स्ट उपभोक्ता हो गया। सेकंड क्या है? मेढक आता है, यानी टिड्डे को कौन खाता है? मेढक। तो मेढक आपका सेकेंड उपभोक्ता हो गया। फिर आप अभी देखिए, मेढक को कौन खाता है? सर्प यानी सांप खाता है, तो वो आपका तृतीय यानी थर्ड उपभोक्ता हो गया। एंड लास्ट, सर्प को भी कौन खाता है? तो वो कौन है? गिद्ध है, गिद्ध खाता है ये, ठीक है, ये मांसाहारी में आता है। और फिर ये लास्ट में क्या है? यही सबसे आपके उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, ठीक। अब इस गिद्ध का भी जो अभी मैंने आपको बताया था अपघटन करता है, इसे कौन मतलब यूज़ करता है? वो है कवक। कवक, तो ये कवक आपका क्या हो गया? ये अपघटक हो गया, ये कवक आपका अपघटक हो गया। ये गिद्ध, सर्प और जो आपके मेढक और टिड्डा थे ये आपके उपभोक्ता थे, और स्टार्टिंग पॉइंट घास जो था ये आपका था उत्पादक, ठीक। तो आपको देखिए कितनी सारी चीज़ें पता चली, इसकी पूरी मैंने श्रृंखला ही आपको बता दी कि घास भूमि क्षेत्र की श्रृंखला कहाँ से स्टार्ट होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम घास यानी उत्पादक से स्टार्ट होती है, एंड फिर इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंड, थर्ड, थर्ड उपभोक्ता से होते हुए अंतिम उपभोक्ता आपका जो है बाज यानी गिद्ध है, जो कि मांसाहारी है यानी सर्वश्रेष्ठ यही है उच्च स्तर पर। उसके बाद आपका आ जाता है कवक, जो कि एक अपघटक है, ठीक। ये पूरी श्रृंखला आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है कौन सा है? फर्स्ट समताप मंडल, सेकेंड क्षोभ मंडल, थर्ड आपका मध्य मंडल और फोर्थ है आपका आयन मंडल। बताइए। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो आपका वायुमंडल है वो मतलब कई स्तरों में विभाजित है, कई मंडलों में, ठीक।
तो आपसे पूछ रहा है जो सबसे नीचे का मंडल है वो कौन सा है, ये फर्स्ट नंबर पे आपसे पूछ रहा है नीचे से। तो ये आपका जो स्टार्टिंग है वायुमंडल के, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ते ही लगभग ये 1 किलोमीटर से ले करके आपका पूरा ये है। तो ये आपसे पूछ रहा है फर्स्ट नंबर पे, यानी कि यहाँ फ्रॉम स्टार्टिंग कौन सा मंडल है, तो ये है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल आपका सबसे नीचे का है, पृथ्वी तल से सबसे नज़दीक है। और देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाओं का क्या मतलब है, मतलब आंधी, तूफान, वर्षा, कोहरा, पाला, या जो बादल गरजते हैं, मेघ गर्जन, ओस, ये सारी चीज़ें कहाँ घटित होती हैं, तो ये आपके क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो आप बिल्कुल बताएंगे क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, आपसे सदस्यों की संख्या पूछ रहा है कि कितने स्थायी सदस्य हैं, फर्स्ट, 3, 4, 5 या 6, कितने हैं बताइए। तो 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं जिसमें से 10 अस्थायी हैं और 5 जो है वो स्थायी हैं। तो स्थायी सदस्यों में कौन कौन से कंट्री हैं बताइए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है, ये 5 जो हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में, बताइए बताइए जल्दी बताइए। तो जो आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान के अलवर में, अलवर जगह है राजस्थान में, वहाँ पर स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है क्या, ATP, सूर्य प्रकाश, DNA या RNA, तो देखिए इसका सही आंसर है सन रेज, यानी सूर्य का प्रकाश, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं समस्त जीवों के लिए लास्ट ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य का आने वाला प्रकाश यानी सौर्य ऊर्जा है। ठीक है, यानी जो आपका सूर्य प्रकाश है यही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एग मार्क का संबंध है किससे, फर्स्ट गुणवत्ता से, सेकेंड पैकेजिंग से, थर्ड संसाधन से और लास्ट आपका उत्पादन से। तो जो आपका एग मार्क है इसका संबंध किससे है, गुणवत्ता से, यानी ये कोई भी वस्तु है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी गुणवत्ता चेक करता है और अगर सही होती है तो फिर ये एग मार्क का निशान देता है, यानी कि ये जो आपका एग मार्क है वो किससे संबंधित है, गुणवत्ता से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए ये टाइपिंग के दौरान जब मतलब आप उसे छोड़ दीजिए तो ये एरर बन के चला आता है, तो ये आई थिंक 2 क्वेश्चन में है, 16 एंड 17 में। तो इसे मैं पूरा आपको पढ़ देती हूँ अच्छे से, आप समझ लीजिएगा, वैसे लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी मात्रा इधर हो गई है इस वजह से ये बीच में 0 आ गया है, ये खुद अपने आप एरर हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है किस राज्य में, फर्स्ट उत्तर प्रदेश में, सेकंड मध्य प्रदेश में, थर्ड बिहार में और फोर्थ आपका पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है, देखिए आपका इसका सही आंसर है बिल्कुल करेक्ट, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है, और जो आर्सेनिक प्रदूषण से ग्रसित राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, भारत में बेसिकली 7 राज्य यानी 7 राज्य जो हैं वो आर्सेनिक प्रदूषण से ग्रसित हैं, उसमें पश्चिम बंगाल फर्स्ट नंबर पर है, फिर है झारखंड, फिर बिहार, फिर यूपी, फिर असम, फिर मणिपुर, फिर छत्तीसगढ़, ये क्या है, ये प्रभावित हैं आर्सेनिक प्रदूषण से। और पश्चिम बंगाल से बेसिकली 4 जिले हैं आपके जो कि ज़्यादा प्रभावित हैं आर्सेनिक प्रदूषण से, उसमें फर्स्ट है मुर्शिदाबाद, सेकंड है नदिया, थर्ड है उत्तरी
24 परगना और लास्ट फोर्थ है दक्षिणी 24 परगना, ठीक है, ये चारों जो हैं वो हैं। अब आपसे देखिए एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है इसी से आर्सेनिक प्रदूषण से रिलेटेड। वो क्वेश्चन ये है कि जल में आर्सेनिक की अधिकता होने पर कौन सी बीमारी होती है। देखिए मैंने आपसे बोला था ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन काम आएगी, तो अभी मैंने आपको बताया तो ये जो आर्सेनिक है ये जल प्रदूषण है। अब ये जल में जब ये प्रदूषण हो जाता है आर्सेनिक का, यानी ये अशुद्धि पाई जाती है, तो उससे कौन सी बीमारी होती है। तो इससे आपकी जो बीमारी होती है वो होती है ब्लैक फुट की। कौन सी? ब्लैक फुट, ये बीमारी होती है आर्सेनिक प्रदूषण से, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और फिर से ये रिपीट भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जीव सुरक्षा, ये जीव का क्या है पूरा लिख लीजिए, ये वन्य जीव है, राइट, ये आपका वन्य जीव। जीव मतलब तो सारे जीव आ जाएंगे ना, लेकिन वन्य जीव की बात कर रहा है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में, बताइए जल्दी बताइए। बताइए बताइए जल्दी बताइए आप लोग, थोड़ा कुछ सेकंड्स का टाइम मैंने दिया है ताकि आप लोग बताएं, तो बताइए। देखिए ये आपका 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, 1972 में, तो दिस इज़ योर राइट आंसर। क्योंकि देखिए काफ़ी शिकार होता था, अवैध शिकार वगैरह होता था, लोग पहले कभी देखिए, पहले तो राजा महाराजा काफ़ी शिकार किया करते थे, लेकिन अभी भी जो है लोग अपने शौक के कारण शिकार करते हैं, तो यही अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए जो है इस अधिनियम को पारित किया गया है, ठीक है, इस पर जुर्माना एवं दंड लगाया गया है ताकि ये चीज़ें बचे ना हों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब जिस प्रक्रिया के कारण दूध से दही बनती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या लास्ट आपका स्टेरिलाइजेशन। तो देखिए आपको पता होगा, बहुत छोटेपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है वो किण्वन के कारण होती है, किण्वन नहीं किण्वन, किण्वन, दिस इज़ राइट प्रोनाउंसिएशन, इसको आप सही कीजिएगा, किंगवन की जगह किंडवन है, तो ये आपका सही आंसर है किंडवन, ओके। इसमें क्या होता है कि देखिए दूध में जो है वो कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, कौन से जीवाणु पाए जाते हैं नाम लिख लीजिए, आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम में कि दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो मैं आपको बता रही हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। मैं फिर से बोल दे रही हूँ, फर्स्ट जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड आपका सेकेंड जीवाणु है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ये दोनों जीवाणु जो हैं पाए जाते हैं, इन्हीं जीवाणुओं के कारण जो आपका लैक्टोज शर्करा है वो किण्वन करके लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, मतलब इन जीवाणुओं के लैक्टोज शर्करा जो इनमें दूध में जो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है उसमें जब किण्वन होता है तो वो क्या लैक्टिक अम्ल में बन जाता है, जिसके कारण दूध क्या है खट्टा हो जाता है। और लैक्टिक अम्ल दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने का काम करता है। यानी जो अभी मैंने आपको जीवाणु बताए हैं दो जीवाणु, वो क्या काम करते हैं, वो जब लैक्टोज शर्करा जो है वो किण्वन क्रिया करके लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है तब क्या होता है, तो दूध हमारा खट्टा हो जाता है, और जब दूध खट्टा होता है तो उसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स हो जाते हैं, कौन से? केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदें हो जाती है, उन्हीं बूंदों को ये जीवाणु एकत्रित करता है जिसके कारण दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए आपको एक चीज़ और बताती हूँ, अपने ही सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हम प्योर वेजिटेरियन हैं, हम शाकाहारी हैं, हाँ है ना, और व्रत में वो क्या करते हैं बढ़िया दही वही भी मज़े से खाते हैं आराम से, तो उनको एक बार ज़रा थोड़ा दिखाइए लेंस से, ठीक है, जो बायो वगैरह में आप देखते होंगे लेंस होता है जिसे चीज़ों को देखते हैं, उससे आप उनको एक बार ज़रा दही दिखा दीजिए, मेरे को लगता है फिर वो कभी दही छुएंगे नहीं, ठीक है, जब इस जीवाणु को देख लेंगे, तो इस जीवाणु के कारण ही दूध जो है वो दही में परिवर्तित होता है। पुराने लोगों को ये बातें नहीं पता है और वो बहुत आराम से बोलते हैं हम तो
प्योर वेजिटेरियन है। कहाँ आप वेजिटेरियन हो, उस जीव को भी तो आप खा रहे हो, है ना। खैर ये जो का एक पार्ट था, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? फर्स्ट जर्मनी, सेकंड यूनाइटेड किंगडम, थर्ड यूएसए एंड लास्ट आपका यूएसएसआर। ये जो आपका यूएसएसआर है, इसे क्या बोलते हैं आप? रूस बोलते हैं। ठीक, तो कहाँ से लिया गया है बताइए। जो आपका ये मौलिक कर्तव्य है, ये संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 क, यानी 51A में है। ठीक, आर्टिकल 51A और आपका ये भाग 4 में, यानी सेक्शन 4 में है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 51K के अंतर्गत आता है। इसे बिल्कुल याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? जैसे कि हमारा संविधान है, इसे उधार बोला जाता है। उधार क्यों बोला जाता है? क्योंकि काफ़ी बहुत सारी चीज़ें दूसरे दूसरे कंट्रीज से ली गई हैं अपने संविधान में। जैसे मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति के जितने भी कर्तव्य और ये सब चीज़ें हैं, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की क्या कहते हैं शपथ वगैरह, ये काफ़ी सारी चीज़ें जब आप संविधान पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें अदर कंट्रीज से ली गई हैं, अपनाई गई हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं उधार। तो इसी तरह आपका मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये रूस से लिया गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। और ये मौलिक कर्तव्य किस में है? 51K में है, आर्टिकल 51K में। अब देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन, ध्रुव तारे से रिलेटेड। बचपन में आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी, तो इन्हें तो पलक झपकते आप बता देंगे। क्वेश्चन है आपका, ध्रुव तारा कहा जाता है, किसे ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को और पश्चिमी तारे को। तो बिना विलंब किए हुए आपको भी इसका आंसर पता है। देखिए कितना ईजी सा क्वेश्चन पूछा है ना। उत्तरी तारे को बोला जाता है ध्रुव तारा। अब देखिए एक आपको इन्फॉर्मेशन और देती हूँ कि जो ये जो आपका ध्रुव तारा है वो किन तारों के समूह में आता है? तो ये मत्स्य तारा समूह है। यहाँ बहुत सारे तारों का समूह है, तो इस समूह को क्या बोलते हैं? मत्स्य तारा बोलते हैं, मत्स्य तारों का समूह। इसी समूह में आपका ध्रुव तारा भी पाया जाता है, ध्रुव तारा स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? 1972 में, सेकंड 1973 में, थर्ड 1981 में एंड लास्ट 1985 में। बताइए कब प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था? तो देखिए इंडिया में राष्ट्रीय पशु बाघ, आपको पता होगा ना हमारा नेशनल एलिमेंट कौन सा है, तो टाइगर है, बाघ है। उसी के संरक्षण के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था। ठीक, कब किया गया था? 1973 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और अभी आपको बता दें भारत में अभी 49 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, जिसमें जो आपका लेटेस्ट अगर देखा जाए तो 48 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो उत्तराखंड का राजा जी टाइगर रिजर्व है। एंड लास्ट आपका 49 नंबर पे जो ऐड हुआ है वो है ऑरेंज टाइगर रिजर्व, असम का है। तो आपसे पूछता है एग्ज़ाम में कि लास्ट में कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वो ऐड हुआ है। तो 49, 48 नंबर का आप याद रखिए, एक उत्तराखंड का है, दूसरा असम का है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? बताइए फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। मूवीज़ वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है, बेसिकली जब गाने वगैरह आते हैं तो फूलों की घाटी में ही शूट होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी, उत्तराखंड के चमोली नामक ज़िले में स्थित है। ठीक, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया है, फूलों की घाटी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ये भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, 306, 275, 206 या 175, बताइए कितनी होती है? तो 206 होती है। लेकिन देखिए ये तो क्वेश्चन आपको पता था,
ठीक ये आया हुआ एग्जाम में, लेकिन एक क्वेश्चन और जो कि आपका CDP के अंतर्गत पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, वो क्या है कि शिशु में जब बच्चा पैदा होता है, छोटा सा शिशु होता है, उसमें कितनी हड्डियां या अस्थियां पाई जाती हैं? 300, 300 अस्थियां उसमें पाई जाती हैं। ये आपका CDP के अंतर्गत क्वेश्चन आता है और ये पूछा गया है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। बड़े लोगों में, वयस्कों में 206 और छोटे बच्चों में 300। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में? नागासाकी में, बताइए कहाँ पर स्थित है। ये जो आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल है ये क्या है, पहले तो ये जान लीजिए। ये जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है ये एक वैश्विक अभियानकारी संस्था है, यानी अभियानों की संस्था है, और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम कहाँ है अब आपसे ये पूछेगा, या आपको पता होना चाहिए नीदरलैंड में है। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में ना, एम्स्टर्डम ना पूछकर कंट्री का नाम दे देता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश 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 का ऑक्सीकरण एवं डैश डैश का उपनयन होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का जब प्रकाशीय चरण होता है उसमें किस किस चीज़ों का उपचयन होता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट है जल और NADP, सेकंड है NADPH2, ये टू नीचे लिखा जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए ये CO है तो टू यहाँ पर लिखा जाता है, आपको पता होगा, लेकिन ये टाइपिंग में इस तरह से आ नहीं रहा था इसलिए यहाँ मैंने इस तरह से लिख दिया है, तो आप ये समझ लीजिएगा ये कोई एरर नहीं है। ये आपका CO2 इस तरह से लिखा जाएगा, ये आपका NADPH2 यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा टू, ठीक है, तो इसको आप समझिएगा। तो बताइए किसका होता है, चार ऑप्शन है आपके पास। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का उपचयन होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है LPG के संदर्भ में सत्य नहीं है, मतलब आपको चार इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इनमें से तीन LPG के संदर्भ में यानी LPG के बारे में सही इन्फॉर्मेशन है, बाकी एक है गलत। कौन सी गलत है ये आपको बताना है। फर्स्ट है यह एक स्वच्छ ईंधन है, सेकंड है यह ऊष्मीय मान का है, थर्ड है यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, फोर्थ है यह मेथेन उत्सर्जित करने वाला है। तो देखिए आपको आपको ये भी पता होगा, फर्स्ट है तो ये स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल है ये सही है, तो ये तो होगा नहीं। ये ऊष्मीय मान भी इसका एक होता है, और ये जब आप चलाइए, जब आप गैस जलाते हैं तो देखिए वो ब्लू कलर की जलती है, यानी ये नीले ज्वाला के साथ जलने वाला है। तो इसमें लास्ट जो आपका ऑप्शन है ये मेथेन उत्सर्जित करता है, ये बिल्कुल गलत है, गलत है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि ये मेथेन उत्सर्जित करने वाला नहीं है, ठीक। अब देखिए तो फिर आपसे पूछता है कि जो आपकी LPG है वो किन गैसों के मिश्रण से बनी है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन गैस के मिश्रण से ये जो आपकी गैस है वो बनी हुई है, ठीक है, उन्हीं का मिश्रण है ये, और इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों को द्रवीभूत करके, यानी इन्हें द्रव के रूप में, गैसों को द्रव के फॉर्म में करके आपके सिलेंडरों में भरा जाता है जिसका आप उपयोग करते हैं, और ये एक गंध रहित, यानी जो आपकी LPG होती है ये बेसिकली गंध रहित है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब गैस लीक करती है, कभी आपकी गैस लीकेज हो या ख़त्म होने वाली हो, तो हल्की सी आपके सिलेंडर से स्मेल आती है, आप सोचेंगे कि वो स्मेल LPG की है, लेकिन नहीं, LPG के अंदर जो गैस भरी गई है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वो गंध रहित होती है, उसकी अपनी खुद की कोई गंध नहीं होती है, लेकिन चूंकि उसके रिसाव का पता चल सके कि ये गैस रिस रही है, निकल रही है, उसके लिए उसमें LPG में एथिल मरकैप्टन नामक एक पदार्थ मिलाया जाता है। ये देखिए आपसे एग्जाम में पूछता है कि LPG में गंध का पता लगने के लिए कौन सी अलग से पदार्थ मिलाया जाता है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है C2H5H5SH,
C2H5SH, ये इसका फॉर्मूला है किसका, एथिल मरकैप्टन का। एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है उसमें ताकि हमें स्मेल आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्मेल किसके कारण आती है, प्रोटेन और ब्यूटेन के कारण नहीं बल्कि एथिल मरकैप्टन के कारण आती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ, इसका सही आंसर ये है आपका, ये नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है कि किसके कारण इसकी गंध होती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है किसकी, चार्ल्स डार्विन की, अरस्तु की, मंडल की या रॉबर्ट हुक की। तो आपको पता भी पता ही होगा कि जो डार्विन महोदय हैं, चार्ल्स डार्विन जी हैं, वो प्रजातियों की उत्पत्ति की का सिद्धांत देते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उनकी है, ये उन्हीं की एक रचना है, उनकी एक बुक है, ठीक है, कृति है उनकी। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, चार्ल्स डार्विन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, आपकी इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर है, फर्स्ट जिनेवा में, सेकंड न्यूयॉर्क में, थर्ड पेरिस में और लास्ट हेग में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है, हेग में। अब ये हेग कहाँ है, ये है नीदरलैंड में, कहाँ पर है, नीदरलैंड में, नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब की गई, 3 अप्रैल 1946 को की गई। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो देखिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, 28 क्वेश्चन थे इसमें, हमने कवर कर लिया है इन 28 क्वेश्चंस को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा जो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो बिल्कुल आप इसे लिख करके, रिविज़न करके, बार बार देख कर याद कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, लोग देख रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोगों को ज़रूरत है, तो इन वीडियोस को आगे कंटिन्यू किया जाए, बनाया जाए। तो अब हम 2017 का किए हैं, अब इसके पहले के क्वेश्चंस फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत ही ध्यान रखिएगा, सैनिटाइज़र यूज़ करते रहिएगा, मास्क लगाते रहिएगा, डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा, ठीक है, ये सारी गाइडलाइंस बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया कि स्कूल कोचिंग खुलने वाली है, तो अगर आप स्कूल कोचिंग में जा रहे हैं, बेसिकली जाइए आप, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, जाइए, लेकिन अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपने पास एक सैनिटाइज़र रखिए, मास्क लगाइए, समय समय पर उसे यूज़ करते रहिए, बाहर निकलिए तो अपने फेस को, मास्क को टच मत कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।